हेलो दोस्तों, मैं भी विजय कुमार, आपका अपने चैनल एनसीआरटी फॉर गवर्नमेंट इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस 2024 के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या 25 हो गई दोस्तों, लेकिन उम्मीद मानिए लास्ट तक देखेंगे तो मैं जो पॉइंट बताता जाऊँगा दोस्तों 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इस एक वीडियो से, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक देखिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों, इससे आपको भी दोस्तों कॉम्पिटिशन का फायदा होगा कि पता चलेगा कितना आप भी पानी में हैं, ठीक ना। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। तो किसने मांग की थी? पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों कि भारत की जनता अपने भविष्य के निर्धारण करेगी, किसने कहा था, ठीक ना। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले की, चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दोस्तों कहा था दोस्तों कि जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, ठीक ना। याद रखे दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी की बात करते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? तो नाम था तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों इनके गुरु थे, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के बारे में याद रखिएगा, दोनों ने दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। तो किसने मांग की थी दोस्तों कि भारत के संविधान के लिए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन बुलाना ही चाहिए, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की, एनी बसेंट। एनी बसेंट क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन के लिए, भारत के संविधान के लिए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन को बुलाना चाहिए, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों, देखिए याद रखिएगा एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। देखिए एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा कि 1917 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक ना। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट थी। जस्ट इसके 8 साल बाद दोस्तों 1925 में दोस्तों सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बन गई, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेबेल योजना की माउंट बेटन योजना। 28 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर दोस्तों संविधान सभा का निर्माण किया गया, ठीक ना। संविधान सभा का निर्माण किया गया। ये कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? तो 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया था, ठीक ना। संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया दोस्तों? तो ये 2 साल 11 महीना और 18 दिन में दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो चुनाव कब निश्चित हुआ था संविधान सभा के लिए? जून 1946 में, जुलाई 1946 में, सितंबर 1946 में कि दिसंबर 1946 में? 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, जुलाई 1946 में दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव दोस्तों चुनाव निश्चित किया गया था, ठीक ना। देखिए दोस्तों आया संविधान सभा, तो संविधान सभा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा को अंगीकृत या कब बनकर तैयार हो गया था? नाम याद रखिएगा, अंगीकृत। अंगीकृत के मतलब दोस्तों, अंगीकृत के मतलब कि कब बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। तो ये 26 नवंबर 1949 दोस्तों 1949 याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा बनकर तैयार हो गया था, ठीक ना। लेकिन लागू कब हुआ था दोस्तों? देखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हो गया था, ठीक ना। तो ये दो डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अंगीकृत का है तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था दोस्तों? समान मताधिकार के अधिकार पर, कि सर्व मताधिकार, कि सीमित मताधिकार, कि वर्गीय मताधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 30 का क्या हो जाएगा आंसर? 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 है ना, 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर दोस्तों संविधान सभा का चुनाव निश्चित किया गया था, ठीक ना।
31 नंबर देख लेते हैं, 31 नंबर, ये 31 नंबर है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लेता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ ने, कश्मीर ने, हैदराबाद ने कि मैसूर ने, क्या हो जाएगा 31 का आंसर? 31 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैसूर, हैदराबाद, हैदराबाद ने दोस्तों देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, ठीक ना, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, महत्वपूर्ण है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। 32 का क्या हो जाएगा आंसर? 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सितंबर 1946 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, ठीक ना, अंतरिम सरकार, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं 33 नंबर, ये मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई, महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946 की दिसंबर 1946। 33 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अक्टूबर 1946, अक्टूबर 1946 में दोस्तों मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों 34 नंबर है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई, महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी, 29 अक्टूबर 1946, 16 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 कि 21 दिसंबर 1946। 34 का क्या हो जाएगा आंसर? 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक ना। दूसरी बैठक पूछे दोस्तों कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक दोस्तों हुई थी 11 दिसंबर, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, ठीक ना। दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों तो इसी दिन अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था दोस्तों? ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को दोस्तों चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष, ठीक ना। और 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दोस्तों तो इस दिन अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था दोस्तों? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर, एक मिनट दोस्तों देखिए, एक बार और देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दोस्तों तो इस दिन अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, ठीक ना, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जब 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दूसरी बैठक, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक से मैंने बता दिया, ठीक ना, मिस्टेक हो गया बताने में तो उसको याद रखेगा, ठीक ना। तो कि पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अस्थाई अध्यक्ष नहीं पूछेगा, अस्थाई अध्यक्ष की जगह पर नाम देगा एक अंतरिम अध्यक्ष, कि अंतरिम अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो अंतरिम कहे या अस्थाई कहे, एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक ना, अस्थाई कहे या अंतरिम कहे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 35 नंबर देख लेते हैं, 35 नंबर है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, आगे क्वेश्चन की अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था, एच एन कुंजरू को, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, गोविंद वल्लभ पंत को, कि केटी शाह को। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? 35 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अस्थाई अध्यक्ष आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कहेगा कि अंतरिम अध्यक्ष किसको चुना गया था, अंतरिम अध्यक्ष पूछता है, ठीक ना। सब लोग अस्थाई अध्यक्ष याद करते हैं, अंतरिम अध्यक्ष कहे अस्थाई कहे, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों 36 नंबर, सवाना घास का मैदान कहाँ है, बताइए सवाना घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, क्या हो जाएगा 36 का आंसर? 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफ्रीका में है दोस्तों सवाना घास का मैदान, सवाना मतलब सवाना, तो सवाना कहाँ आना, फ्री में आना, याद रखिएगा, फ्री में आना यानी अफ्रीका में है, सवाना के घास का मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउंस के घास का मैदान पाए जाते हैं, डाउंस के घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 37 नंबर, कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछ रहा है, कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है, एलिफेंस है, वोस्तबुक है, सियाचिन है, कि बर्खोयांस है। 37 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 37 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बर्खोयांस है, क्या है, बर्खोयांस है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
38 देख लेते हैं दोस्तों। 38 नंबर, 38 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 38 नंबर है कि संसार का आदरतम स्थान पूछ रहा है कि संसार का आदरतम स्थान कहाँ कौन है। चेरापूंजी है, मानसीराम है, सिंगापुर है कि वाई लील है। 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आदरतम स्थान कहाँ होगा दोस्तों, जहाँ ज़्यादा बारिश होती होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मानसीराम, जो कि मेघालय में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है मानसीराम में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 39 नंबर। 39 नंबर के सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में कि फ्रांस में, तो कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 39 का आंसर। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ब्राज़ील में दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक ना। 39 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के मुहाने के पास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी बालू जो त्रिभुजाकार भूमि बनाती है उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, मुहाना कहते हैं, स्थल प्राय कहते हैं कि डेल्टा कहते हैं, क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डेल्टा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं डेल्टा, ठीक ना। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर ये पूछे दोस्तों कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र तो दोस्तों ये दो नदियाँ सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है मिलकर, ठीक ना। तो गंगा ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 41 नंबर, ये गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइए, गोभी मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, मंगोलिया में है कि पश्चिम अफ्रीका में है, क्या हो जाएगा 41 का आंसर दोस्तों। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, मंगोलिया में है दोस्तों गोभी मरुस्थल। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं दोस्तों 41 हो गया। तो 42 देख लेते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो बताइए कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, कालाहारी है, गोभी है, सहारा है कि थार है। 42 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहारा मरुस्थल दोस्तों, ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक ना। ये कितने देशों को दोस्तों टच करता है याद रखिएगा, 11 देशों को टच करता है, ये महत्वपूर्ण है। 11 देश कौन कौन है दोस्तों, इसको जाकर आप देख लीजिएगा जरूर, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जरूर पूछेगा कि निम्न से कौन सहारा के देश से नहीं लगते हैं, इसका ट्रिक भी है, तो इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए दोस्तों बात करते हैं भारत की, तो भारत में दोस्तों थार मरुस्थल पाया जाता है, ठीक ना, राजस्थान में। अगला देख लेते हैं 43, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है बताइए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, अटाकामा है, कोलोराडो है, कालाहारी है कि थार है, कौन है दोस्तों। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, थार। थार दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया में पाया जाता है, ठीक ना। 44 देख लेते हैं दोस्तों, 44 है कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइए कि मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, अमेरिका है, भूतपूर्व सोवियत संघ है, चीन है कि ब्राज़ील है, क्या हो जाएगा 44 का आंसर। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका है, अमेरिका दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। 45 देख लेते हैं दोस्तों, 45 है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइए कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत की, भूतपूर्व सोवियत संघ। तो 45 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक ना। तो तंबाकू में क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा, और मक्का में कौन आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा। 46 देख लेते हैं कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में कि जापान में। 46 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इंडोनेशिया में प्रचलित है सर्वाधिक सघन खेती। 47 देख लेते हैं दोस्तों, 47 है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, तो विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है, मिस्र है, भारत है, यूएसए है कि चीन है। 47 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चीन है। तो लंबे रेशे के कपास का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये चीन है। 48 देख लेते हैं दोस्तों, 48 है कि पेट्रोलियम पदार्थ नीम में से कहाँ प्राप्त होते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी चट्टानों से, तल छट्टीय चट्टानों से, कायती चट्टानों से कि आग्नेय चट्टानों से,
क्या हो जाएगा 48 का आंसर, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तल छठे चट्टानों से पाए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए दोस्तों यहाँ से जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों कायंतित चट्टानों के एग्जाम्पल याद रखिएगा। देखिए कायंतित चट्टानों के एग्जाम्पल है नीस है, ठीक ना, स्लेट है, फिर से संगमरमर है, संगमरमर, ठीक, और एक क्वार्टाइज याद रखिएगा, क्वार्टज है, ठीक ना। ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये कायंतित चट्टानों के एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछ सकता है। आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल में आएगा बेसाल्ट आएगा, ठीक ना, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ये दो दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, ये है आग्नेय चट्टान के। अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो अवसादी चट्टानों में दोस्तों बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट दोस्तों ये दोनों में लगभग लगभग आता है, ठीक ना, ग्रेबो कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देख सकते हैं दोस्तों 49 नंबर, कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। सघन तेल परिवहन जाल के लिए, गहन कृषि के लिए, खनिज तेल के लिए, कि विनिर्माण उद्योग के लिए। 49 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा, खनिज तेल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है बाकू। लास्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन, कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइए कनाडा है, भारत है, कि मैक्सिको है, कि अमेरिका है। क्या हो जाएगा 50 का आंसर, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मैक्सिको है दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश, ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।